आज हम बना रहे हैं मिक्स फ्रूट जैम। और इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए देख लीजिए एक बार। इसमें मैंने एक मैंगो लिया है, बिल्कुल पका हुआ राइप मैंगो है। हाफ मैंने अनानास लिया है यहाँ पे, पाइनएप्पल, और दो एप्पल लिए हैं यहाँ पे। एक लेमन लिया है जो हमारे बाद में काम आएगा। यहाँ पे मैंने जैगरी पाउडर लिया है और 8-10 इलायची। अब हमने फ्रूट्स को कट कर लिया है। एक एप्पल को मैंने चॉप कर लिया है, पीस कर लिए, और एक को मैंने ग्रेट कर लिया है, क्योंकि इसको डालने से हमारा जैम जो है दानेदार बनेगा। अब जो हमने फ्रूट्स चॉप किए थे वो इस मिक्सी जार में डाल देंगे हम। और एक ग्रेट किया हुआ एप्पल रख देंगे जो हमें बाद में काम आएगा। मिक्सी को चला दें, इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। चेक कर लेंगे इसको, एक बार वापस से चला देंगे अच्छी तरह से। हमें ग्राइंड करना है इसको। ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अब हमने इंडक्शन पे कढ़ाई रख दी है और इंडक्शन को ऑन कर देंगे। थोड़ा सा कढ़ाई को गर्म होने देंगे। अब जो ये प्योरी बनी है उसको हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। अब प्योरी हमने इसमें डाल दी है और ये जो ग्रेटेड एप्पल था वो भी इसी में डाल देंगे हम। इससे हमारा जैम दानेदार बनेगा। अब हम इसमें जैगरी पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो जैगरी पाउडर की जगह मिश्री भी डाल सकते हैं, पर इससे कलर भी हमारा जैम का अच्छा आएगा और टेस्टी भी लगेगा और प्लस हेल्दी भी बनेगा। हम इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर, जब तक ये थोड़ा थिक नहीं हो जाता। हमें इसमें ज़्यादा फ्रूट जो है ना पानी वाले नहीं लेने हैं, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा पानी होगा तो अच्छा नहीं बनेगा हमारा जैम। आप चाहे तो एक भी फ्रूट का बना सकते हैं, चाहे मिक्स जो भी आपके मनपसंद फ्रूट हो वो ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखें जैसे वाटर मेलन, मस मेलन वगैरह ना लें, कि उनमें पानी ज़्यादा होता है। ये जैम सबको पसंद आता है, हम ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में, सब जगह ले सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर से बच्चों को तो बहुत पसंद होता है। हम बाहर का जैम उनको नहीं खिलाना चाहते, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा मिले हुए होते हैं, वो अनहेल्दी होते हैं। अगर हम घर में बनाएंगे तो बच्चों को पसंद आएगा और अच्छा भी रहेगा हेल्थ के लिए उनके। हमारा जैम बनकर तैयार है, ये थिक हो चुका है। इसको ज़्यादा भी थिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठंडा जब होगा तो और ज़्यादा थिक होगा थोड़ा। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें दालचीनी भी पाउडर भी डाल सकते हैं, जायफल भी डाल सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। कलर ना डालें फूड कलर, क्योंकि वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। अब प्रिजर्वेटिव की जगह हम थोड़ा सा नींबू का जूस इसमें डाल रहे हैं, इससे भी हमारा जैम काफ़ी दिनों तक अच्छा चलेगा, ख़राब नहीं होगा। ये कम से कम 15-20 दिन तो आराम से चलेगा अगर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ये जैम खाने में बहुत ही यमी लगता है,
बस हम इसको इंडक्शन को ऑफ कर देंगे, उसको ठंडा होने देंगे। हमारा जैम बनकर बिल्कुल रेडी है, हमने इसमें जार में फिल कर दिया है और बिल्कुल ठंडा होने के बाद जार में डाला है। और इस बोतल को पहले गर्म पानी से वॉश करके अच्छी तरह से इसको पोंछ लिया था अंदर से, ताकि जैम की लाइफ जो है लॉन्ग हो सके और ख़राब नहीं हो। और आप बच्चों को इस तरह से भी सर्व करके दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बिस्किट, ये आटा बिस्किट है, उनके बीच में मैंने जैम लगा दिया और फिर स्माइली बना के दे दिया, तो बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है, खाने में भी उनको अच्छा लगता है। आप इस जैम को ब्रेड पे लगा के दे सकते हैं, चाहे तो हम परांठे और चपाती के साथ भी दे सकते हैं, रोल करके बच्चों को फ्रेंकी टाइप का बना के दे सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।